जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाई सँगसँगै बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। दर्शकबिन तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। मुस्लिम समुदायको धर्म सांस्कृतिक वेशभूषा रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जाउलक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषा भाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ कारी शरीफुल कादरी साहबलाई। उहाँ खतिब इमाम जामा मस्जिदको हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? अल्लाह और रसूल का करम है, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। रमजान का बाबरकत महीना हम लोगों के बीच है। जी जी, सबसे पहले इस माह का मुबारकबाद भी पेश करते हैं आपको। शुक्रिया, आपको भी खूब खूब मुबारक हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जुमला मोमिनीन मोमिनात को मुबारक हो। जी मुल्ला साहब, इसी हवाले से हम कुछ आखिरी अशरा चल रहा है जी, अपने सामईन को अपने नाजरीन को कुछ इसी हवाले से गुफ्तगू हम करेंगे आपसे। तो सबसे पहले चूंकि रमजान हमारे बीच में है, अशरा रहमत अशरा मगफिरत हमसे रुखसत हो चुका है, अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा जो हमारे बीच चल रहा है। जी जी, तीसरा अशरा। जी तीसरा अशरा चल रहा है। तो अभी रमजान के मुतालिक ही कुछ हमारे नाजरीन को कुछ रोशनी आप डाल दें। जी जी, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बड़ी खुशी की बात है कि आज जी नेपाल एचडी टेलीविजन में एक बार फिर हमारे मोहब्बे ग्रामी ज़ियाउल हक साहब ने मुझको फिर इनवाइट किया और कुछ दीन की बातों को पहुंचाने का एक मौका फराहम फरमाया। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं ज़ियाउल हक भाई का। और इस सिलसिले में कि ये माह रमज़ान मुबारक जो हमारे और आपके दरमियान से रुखसत हो रहा है, ये रमज़ान का मुबारक महीना ऐसा महीना है कि जो तमाम महीनों से बेहतर है। जी, तमाम महीनों से अफजल ये रमज़ान मुबारक का महीना है, क्योंकि इसमें अल्लाह की रजा के लिए रोज़े रखे जाते हैं। हम और आप कोई भी इबादत करें, हर इबादत में तो रिया हो सकती है जी, मगर रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें रिया नहीं है जी, बनावट नहीं है, तसन्नो नहीं है, दिखावा नहीं है जी, क्योंकि रोज़ा सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, उसी के लिए है। अब आप हमारे बगल में बैठे हैं, अब हमें नहीं पता कि आप रोजे से हैं कि नहीं हैं जी। हमारे सामने आप कुछ ना खाएं पिए, बाद में जाके छुप के कुछ भी खा पी सकते हैं जी, जी। तो सामने बैठ के आदमी नहीं पहचान सकता कि ये रोजे से है कि नहीं है जी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अस्समुली वाना अजजी भी, रोजा सिर्फ मेरे लिए है जी, और उसकी जजा मैं दूंगा जी। इसलिए रब ने फरमाया कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है कि हर इबादत में तो आदमी उसकी अदाओं को देख करके समझ सकता है कि ये क्या कर रहा है जी। नमाज के लिए कयाम कर रहा है जी, जी। कयाम में है आदमी समझ जाएगा नमाज पढ़ रहा है, सजदे में है आदमी समझ जाएगा नमाज पढ़ रहा है, कुरान सामने रखे हुए उंगलियां चला रहा है देख रहा है आदमी समझ रहा है तिलावत कर रहा है, अपने माल की ज़कात निकाल रहा है किसी को दे रहा है तो देने वाला भी देख रहा है देखने वाला भी देख रहा है कि ज़कात अदा कर रहा है, खाने काबा का आदमी तवाफ कर रहा है तो आदमी समझ रहा है ये हज खाने काबा कर रहा है जी, बिल्कुल। इसी तरह से तमाम इबादतें हैं जो कि उसमें आदमी उन अदाओं को देख करके समझ सकता है कि ये बंदा किस इबादत में मसरूफ है, मगर रोजा ऐसी इबादत है जिस जो देखने वाली चीज नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कतई देखने वाली चीज नहीं है। सुबह सादिक से लेकर जी दाना पानी खाना हर चीज बंद कर दिया जी, जिन चीजों से शरीयत ने मना किया है उन चीजों से बाज है,
वो चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा है, हालांकि पान खाने वाले पान खाते हैं जी, उसका नशा सबसे ज्यादा रहता है, सिगरेट पीने वाले उसका नशा सबसे ज्यादा रहता है, मगर फिर भी वो सिगरेट मौजूद होते हुए, पान मौजूद होते हुए, पानी मौजूद होते हुए कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जी। कि अल्लाह तबारक व ताला हमें देख रहा है, कोई देखे ना देखे वो मौला हमें देख रहा है, इसीलिए रब ने फरमाया कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है। जैसे कि महीनों के हवाले से सिलसिलावार जो महीना है, तो उसमें जैसे शाबानुल मुअज्जम जी, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान भी है, शाबान मेरा महीना और रमजान अल्लाह का महीना, रमजान मेरी उम्मत का महीना, मेरी उम्मत का महीना जी। तो इसमें इसीलिए इसको समझ लीजिए फजीलत हासिल है जी, जी, से। जी। तो उम्मत का महीना इसलिए फरमाया कि रमजान में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। पहला अशरा जी रहमत का है, जो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत उसमें नाजिल होती है। दूसरा अशरा मगफरत का है, जिसमें अल्लाह तबारक व ताला बख्शिश मगफरत फरमाता है। और तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का है, जो हमारे बीच में अभी जी, जिससे हम और आप गुजर रहे हैं। और तीसरे अशरे की, आखिरी अशरे की आज जो है 6 तारीख गुजर चुकी, यानी 6 रोजे गुजर चुके, 26वां जी। तो अब 4 सिर्फ बाकी हैं, 3 या 4 जो भी अल्लाह अता फरमाए, क्योंकि 29 का भी चांद हो सकता है जी, और 29 का नहीं होगा तो 30 का तो होना ही होना है, 30 के बाद ईद, तो 30 मुकम्मल करके ईद करना ही करना है। तो नाजरीन को चाहिए, मोमिनीन को चाहिए कि इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अल्लाह की बंदगी करें, रोजा रखें। जो रोजा नहीं रख सके हैं वो बहुत बड़े कम नसीब हैं जी, क्योंकि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रमजान शरीफ का 1 रोजा जी और अपनी जिंदगी के सारे रोजे बराबर नहीं हो सकते। जिंदगी के सारे रोजे और रमजान का 1 रोजा बराबर नहीं हो सकता। तभी तो इरशाद फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर किसी का 1 रोजा अगर छूट जाता है जानबूझकर कसदन जी, विला उजरे शरी जी, तो उसको उस रोजे का कफारा अदा करना पड़ेगा जी, जी। और उसके कफारे में क्या है? 60 मिसकीनों को 2 टाइम पेट भर खाना खिलाना जी। अगर ये नहीं कर सकते तो 1 गुलाम आजाद करना जी। अगर ये नहीं कर सकते तो 60 रोजे पे दर पे रखना, यानी सबसे पहले तो 60 रोजे ही फरमाया कि 1 रोजा छोड़ा है तो 60 रोजे रखो, 1 रोजे के बदले में 60 रोजे, उसमें 1 रोजा भी बीच में गैप ना हो जी जी, पे दर पे लगातार जी। यानी जैसे आपने अगर 50 रोजे रख लिए या 55 रोजे रख लिए और 56वां रोजा नहीं रखा, सोचा 4-5 बाकी है फिर रख लेंगे, 1 में जरा रुक जाते हैं जी जी, तो वो फिर वहीं से वो सब रोजे मरदूद हो जाएंगे, कोई रोजा काबिले कबूल नहीं होगा। फिर अब शुरू से गिनती कीजिए, 60 रोजे पे दर पे लगातार रखिए, तब 1 रोजे का कफारा होगा। अगर ये नहीं कर सकते तो गुलाम आजाद कीजिए, अगर ये भी नहीं कर सकते तो 60 मिसकीनों को 2 वक्त पेट भर खाना खिलाइए, ये 1 रोजे का कफारा। जैसे ये आखिरी अशरे में जुमतुल वदा भी है, आखिरी जो जुमा होता है उसको अलविदा कहा जाता है जी, जी, जी। तो इसकी क्या हकीकत है? क्या इसको ये रमजान की विदाई को लेकर के अलविदा कहा गया जी, है जी, जी, जी। कि इसको इसका जरा से एक वजाहत फरमा दें हमारे, इसी के लिए इसको अलविदा कहा गया क्योंकि रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा जी। अब ये जुमा हमसे रुखसत हो रहा है, अब दोबारा रमजान में, इस रमजान में हमको जुमा नहीं मिलने वाला है, इसीलिए इसको अलविदाई जुमा कहते हैं। और इसमें सब लोग इकट्ठा होके मोमिन भाई नमाजें अदा करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अलविदाई खुतबा सुनते हैं, क्योंकि अलविदाई खुतबा जो होता है उसकी बहुत बड़ी फजीलत है। और उसमें जो है जो इमाम होता है वो अलविदाई खुतबा जो पढ़ता है उसमें ये रमजान मुबारक के ताल्लुक से जो कमियां हुई, जो खामियां हुई, रोजे के ताल्लुक से, जो कुरान की तिलावत के ताल्लुक से, जो तरावी के ताल्लुक से, उन सब चीजों के बारे में रब की बारगाह में जो है माफी और इस्तगफार करता है, लोगों की तरफ से, अवामुन नास की तरफ से इमाम जो है अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करता है कि मौला ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको माफ कर दे, रुखसती रुखसती कहा जाए, रुखसत करते हैं अपने रमजान को, अपने अपने आप में मुहासबा करके कि हमारे से क्या गलतियां हुई, क्या हुई। हम और आपका मसला तो ऐसा है कि हम और आप तो खुशी मनाते हैं कि अब ये रुखसत हो गया, चलो हमको फुर्सत मिल गई, अल्लाहू अकबर, अंदर से तो खुशी होती है। बहरहाल बज़ाहिर अब जो भी कह लिया जाए कि जो है नहीं ये रमजान मुबारक जो है बड़ा प्यारा महीना हमसे रुखसत हो रहा है, मगर ये दर हकीकत अगर देखा जाए तो हमारे असलाफ सहाबे किराम
उनके ताल्लुक से जब उनकी जिंदगियां हम पढ़ते हैं, उनकी सीरत पाक जब पढ़ते हैं, तो हमको पता चलता है कि वो ऐसी हस्तियां थी कि जब अलविदा आता था तो फूट फूट कर रोते थे जी। इस तरह रोते थे कि जिस तरह कोई किसी का बच्चा मर गया हो, किसी का बच्चा गायब हो गया हो, इस तरह से रोते थे जी जी। तो लोग पूछते थे आप क्यों रो रहे हो, तो यही इरशाद फरमाते थे कि ये प्यारा महीना, रहमत भरा महीना, बरकत भरा महीना हमसे रुखसत हो रहा है, इसलिए वो इस महीने के रुखसत होने की वजह से वो रोया करते थे। तो इस महीने के रुखसत होने की वजह से हम और आपको भी गम करना चाहिए, ना जो है ना दिल से तो बजाहिर जी, कम से कम जाहिरी तौर से हम और आपको इसका रंज करना चाहिए, ताकि जो है कम से कम गुलामाने सहाबा में हमारा नाम तो लिख जाए। जैसे ये तो अलविदा की बात हो गई, ये आखिरी अशरे में एक अजीम रात, एक बड़ी रात भी है जिसको लैलतुल कद्र कहा गया है जी। तो इसके हवाले से जैसे अमूमन सुना गया है कि 21, 23, 25 ऐसे कुछ है, तो इसकी क्या दर हकीकत है, इसकी क्या फजीलत है, कुछ हमारे नाजरीन को बता दिया। इसकी हकीकत यह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, पहले तो कुरान की आयत सुन लें, कुरान की सूरत पूरी सूरत नाजिल हुई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अनसलनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअिल फज्र। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि हमने कुरान मुकद्दस को इसी लैलतुल कद्र में उतारा, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, हमने इसको इसी रात में नाजिल फरमाया, हमने इसको इसको के ताल्लुक से ये जो है इशारा कुरान मुकद्दस की तरफ है कि हमने इस मुकद्दस कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है, रब फरमा रहा है, जिसने पैदा किया वो खुद फरमा रहा है, तुम क्या जानो लैलतुल कद्र क्या है। फिर आगे इरशाद फरमाता है लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र हजार महीनों से भी अफजल है, हजार महीनों से अफजल है, अफजल है, हजार महीनों की तरह नहीं फरमाया, अफजल है, हजार महीनों जैसा नहीं फरमाया, हजार महीनों से अफजल है जी जी। अब कितना अफजल है, 2000 महीने की तरह अफजल हाँ। है कि 4000 महीने की तरह अफजल है, ये तो रब्बे कायनात ही जानता है कि ये कितना अफजल है। और आगे इरशाद फरमाता है تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر جی اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے جی اور روح الامین جی زمین پر نازل ہوتے ہیں جی اس کے حکم سے جی سلام ہی حتى مطلع الفجر جی اور صبح صادق تک اللہ کی سلامتی نازل ہوتی رہتی ہے رحمت نازل ہوتی رہتی ہے تو یہ رہا قران پاک کا مفہوم ترجمہ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم का फरमान सुने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं शबे कद्र को लैलतुल कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो जी। ताक रातों मतलब 21, 23, 25, 27, 29 जी ये हैं ताक रातें। आका ने इरशाद फरमाया ताक रातों में तलाश करो जी। इसके लिए बहुत इख्तिलाफ है, किसी ने कहा 21वीं रात है शबे कद्र, किसी ने कहा 23वीं रात है, किसी ने कहा 25वीं रात है जी जी, किसी ने कहा 27वीं रात है, किसी ने कहा 29वीं रात जी। बहरहाल अक्सर जो सहाबाए किराम का इसकी तरफ इशारा जाता है वो 27वीं का है। हजरत अब्बास इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं जी, और हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी सहाबी रसूल है, बहुत जय्यद सहाबी रसूल है, इरशाद फरमाते हैं कि ये 27वीं रात ही शबे कद्र है जी बेशक, क्योंकि इरशाद फरमाते हैं कि जिसको हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला ने लैलतुल कद्र के लफ्ज को तीन जगह इसी सूरह में इस्तेमाल फरमाया जी जी बेशक, तीन जगह है लैलतुल कद्र और लैलतुल कद्र में 9 हरूफ हैं जी, और 9 को 3 से जरब कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए तो 27 होते हैं जी जी। तो इरशाद फरमाते हैं कि इशारा ये जो लैलतुल कद्र के हुरूफ हमको इशारा दे रहे हैं वो 27वीं शब ही की तरफ इशारा दे रहे हैं माशाल्लाह सुभानअल्लाह। और इसके अलावा हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि 27वीं तारीख ही शब कद्र है जी, क्योंकि इरशाद फरमाते हैं कि 27वीं में 7 की गिनती है जी,
अवसाद की गिनती बड़ी अजीब रंग रखती है। जी जी, फरमाते हैं कि जमीन 7 तबक है जी, आसमान 7 तबक है, माशाल्लाह। इंसान 7 अज्जा, 7 जोड़ों से बनाया गया जी। और फरमाते हैं कि देखिए कुरान मुकद्दस में 7 मंजिलें हैं जी। कुरान मुकद्दस में सूरह अलहम्दो शरीफ की 7 आयतें हैं जी। इरशाद फरमाते हैं कि हामीम से शुरू होने वाली 7 सूरतें हैं जी। और इस तरह से इरशाद फरमाते हैं कि 7 की बहुत बड़ी फजीलत है जी। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं जी। और कई चीजों के ताल्लुक से फरमाया कि 7 चीजों, 7 चीजें बहुत सारी चीजों में आती हैं, लिहाजा 7 की गिनती हमको 27 में मिलती है जी। जी, तो इस तरह से 27वीं शब ही शब कद्र है, लिहाजा शब कद्र की अफजलियत बहुत बड़ी है और शब कद्र की इतनी बड़ी फजीलत है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। और शब कद्र कब नाजिल हुई, कब इसकी सूरत नाजिल हुई, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बनी इसराइल के मुजाहिद का वाकया, एक मोमिन का वाकया आप बयान फरमा रहे थे कि उसने 1000 महीने तक अल्लाह की इबादत की, यानी बड़ी लंबी उम्र होती थी बनी इसराइल में पहले जमाने में जी। जी, 1000 बरस तक उस शख्स ने अल्लाह की इबादत की, और ऐसी इबादत की बेमिसाल इबादत जी। रात में वो अल्लाह की इबादत करते थे और दिन में वो रोजा रखते थे जी। और रोजा रखकर अल्लाह की राह में वो जिहाद करते थे जी। जी, गरीब को अगर कोई सताता था, उसका माल लूटता था, तो उसका माल उससे वापस दिलाते थे। इस तरह से और तमामी जो है उनके अंदर अल्लाह की इबादत के ताल्लुक से उनके दिल के अंदर जौक और जज्बा था, तो वो 1000 महीने तक अल्लाह की इबादत इस तरह की है, मगर उनके ऊपर किसी काफिर का गलबा नहीं हो पाता था। इतनी ताकत अल्लाह ने उनको दे रखी थी, किसी का गलबा नहीं होता था। बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीरें अगर उनके जिस्म में बांध दिया जाए जी, जी। तो अगर जिस्म को हिला दें तो वो जंजीर टुकड़े टुकड़े होकर जमीन में गिर जाती थी। इतनी बड़ी ताकत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अता फरमाई थी। एक मरतबा का वाकया ये हुआ कि अब दुश्मन तो हो ही जाते हैं, तो दुश्मनों ने देखा कि अब कोई हरबा हमारा नहीं चल रहा है जी। उनका नाम था, जो बनी इसराइल के नौजवान थे, उनका नाम था हजरत शमून जी रहमतुल्लाह ताला अलैह। फरमाते हैं कि शमून के ऊपर किसी का कोई हरबा काम नहीं करता था, तो वो लोग दुश्मन उनकी बीवी से जाकर मिल गए जी। और कहा हम जब उनकी बीवी से मिलेंगे तो किसी न किसी हिसाब से हमारे अंडर में उनको करके दे देगी जी, जी। और जब हमको दे देगी तो हम जो है उनसे अपना बदला लेंगे। तो माल और दौलत की लालच दे दिया। औरतें नाकिसुल अक्ल, बहुत औरतें, बाज औरतें बहुत नाकिसुल अक्ल होती हैं, नाकिसुल अक्ली की बुनियाद पे जो है माल और दौलत के लालच में आ गई और कहा ठीक है। तो एक दिन ऐसा हुआ, हजरत शमून सो रहे थे जी, जी। तो बहुत मोटे रस्से से उनको जकड़ के बांध दिया जी। और जब हजरत शमून की आंख खुली तो देखा तो बीवी सामने खड़ी है, तो कहा ये क्या किया तूने मेरे साथ जी। तो उसने कुछ मकर व फरेब इस्तेमाल करते हुए कहा कि मैं तो आपकी ताकत का अंदाजा करना चाहती थी जी। जी, तो कहा मेरी ताकत का अंदाजा करना चाहती है, हिलाया जिस्म वो टुकड़े टुकड़े होके सब गिर गई। तो कहा इसीलिए मैंने बांधा था, अब जो है और बात पक्की कर लिया। फिर जो है एक दिन मौका को गनीमत देख के फिर मोटी जंजीर ले आई और मोटी जंजीरों से उनको रात में सोते में बांध दिया। और जब आग खुली तो देखा, कहा ये क्या किया तूने, तो कहा रास्ता तो टूट गया था मगर मैंने सोचा देखें जंजीर क्या तोड़ पाते हैं, इसको देखते हैं जी। हाँ, आपकी ताकत देखना चाहते हैं। तो आपने फिर अपने जिस्म को झटका, वो जंजीर टुकड़े टुकड़े होकर गिर गई जी। मगर उसी के साथ उन्होंने अपना राज खोल दिया, कहा मेरी बीवी सुन, मेरे ऊपर किसी की ताकत असर नहीं कर सकती जी, सिवाय मेरे जिस्म के वो चंद बाल जी, जिस्म में उनके चंद बाल थे। ये बात कह दी, वो बात समझ गई। वो 18 बाल थे, बताया जाता है किताबों में, उनके जिस्म में सर में 18 बाल थे और वो पैर से नीचे जो है लटकते थे, जमीन पे लोटरते थे, उसको अपने सर में बांध के रखते थे। तो जब इन्होंने कह दिया कि जिस्म के हमारे वो बाल,
तो समझ गए कि ये बाल को ये नहीं तोड़ सकते हैं। तो एक दिन रात में वो सो रहे थे मालो दौलत के लालच में, वो आकर के उनकी कमीनी बीवी, बदबख्त बीवी, आपको जो है आपके जिस्म को उसी बालों से बांध दिया। और जब बांध दिया तो आपकी आंख खुली तो आपने फरमाया तूने क्या किया, बहुत कोशिश की मगर उसको नहीं तोड़ सके, बाल नहीं तोड़ सके। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद उसने मोटे रस्से में बांध करके आपको एक सुतून से बांध दिया आपकी बीवी ने, और बांधने के बाद फिर आपके नाक काट लिए, कान काट लिए दुश्मनों के इमा पे, और आपकी आंखों को निकाल लिया। अल्लाह तबारक व ताला को अपने इस वली के ऊपर जुल्म को होते हुए देखकर बर्दाश्त न हुआ, और वो जितने दुश्मन थे उनके उन सबको जमीन में धंसा दिया, और आसमान से ऐसी बिजली गिरी कि उनकी बीवी को जलाकर खाक में मिला दिया। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि देखिए वो 1000 महीने तक उसने इबादत किया अल्लाह की। सहाबे के नाम आबदीदा हो गए कि या रसूलुल्लाह हम इतनी उम्र कहां पाते जो कि हम अल्लाह की इतनी लंबी इबादत कर पाएंगे। मेरे आका भी मगमूम हुए, इतने में हजरत जिब्रील अमीन आए और ये लैलतुल कद्र वाली सूरत लेकर नाजिल हो गए, और ये सूरत सुनाई, अर्ज किया या रसूलुल्लाह आप अपनी उम्मत से फरमा दीजिए ये फिक्र ना करें, गम ना करें, वो लंबी लंबी उम्र पाते थे बनी इसराइल के लोग, आपकी उम्मत के लोग कम उम्र पाते हैं, मगर रमजानुल मुबारक जो महीना अल्लाह ने अता फरमाया है उसमें जो एक रात लैलतुल कद्र अता फरमाया है उस एक रात में अगर आपका उम्मती, आपका दीवाना, आपका गुलाम ईमान वाला अगर सारी रात इबादत कर लेगा तो एक रात की इबादत 1000 वो 1000 महीने से भी बेहतर होगी माशाल्लाह। जैसे कि इसी माह में जकात वगैरह भी लोग देखते हैं निकाला जाता है, एक अमूमन ये बताया जाता है कि जकात इसी महीने में ही जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं इसी महीने में, बस इस महीने में यह है कि बरकत ज्यादा हो जाती है क्योंकि इस महीने में सवाब ज्यादा हो जाता है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है ज़कात अदा करो, कुरान ने फरमाया ज़कात अदा करो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ज़कात उस माल पे वाजिब हो जाता है जिस माल पे साल गुजर जाता है। अब साल वो गुजरने के बाद अगर आपका रबीउल अव्वल शरीफ में साल पूरा हो जाता है तो उस वक्त आपको ऊपर ज़कात निकालना वाजिब हो जाता है। अगर आपका शाबान में पूरा हो जाता है तो शाबान में निकालना, मुहर्रम में पूरा हो जाता है, साल गुजर के पूरा हो जाए उसमें निकाल दिया जाए। मगर लोगों ने वसूल बना लिया है कि हम माह रमजान मुबारक में निकालेंगे क्योंकि इसमें 70 गुना सवाब ज्यादा हो जाता है, इसके लिए लोगों ने अमूमन ये बात बना ली है और इसी में लोग जकात निकालते हैं। यूं तो आप जकात किसी महीने में कोई गरीब मिले, मिस्कीन मिले, फकीर मिले, आपके पास जकात का माल है, आप उसकी मदद कर सकते हैं। जैसे कि फितर के हवाले से भी कुछ हमारे नाजरीन को बता दें कि कितना मिकदार में निकाला जाए, इसमें क्या है सदका फितर जी? ये जो है इबादत की मकबूलियत का सदका है जी, जी कि जो हम रोजा रखते हैं, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोजा रखते हो, नमाज पढ़ते हो, इबादत करते हो, तिलावत करते हो, इसके लिए एक सदका अदा करो, उसको सदका फितर कहा जाता है। इरशाद फरमाया जब तक सदका फितर बंदा नहीं अदा कर सकता है उसकी नमाज, उसकी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है। जब वो सदका फितर अदा कर देता है तो उसकी जो है वह इबादतें अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती हैं। तो सदका फितर है 2 किलो 45 ग्राम गंदम जी, गेहूं जी। अब गेहूं जो गंदम रखा गया, गेहूं रखा गया है 2 किलो 45 ग्राम जी, जी। आका इरशाद फरमाते हैं अगर इसके अलावा अगर कुछ दूसरी अशिया, दूसरा अनाज जी, दूसरा गल्ला अगर आप निकालना चाहते हैं तो इससे दोगुना अदा करेंगे जी, जी। सिर्फ गेहूं है जो कि 2 किलो 45 ग्राम है और या तो इसकी कीमत जी, और इसके अलावा अगर कोई दूसरा, अगर आप अखरोट है, बादाम है, पिस्ता, अगर ये सब निकालना चाहे तो इससे दोगुना निकालेंगे जी, जी। गेहूं निकाले 2 किलो 45 ग्राम जी, जी, जी। और अखरोट पिस्ता बादाम निकाले तो 4 किलो 90 ग्राम जी, जी, जी। ये अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है शरीयत में यह हद मुकर्रर फरमा दी है। जैसे कि उस वक्त भी जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब ये फितरा के लिए हुआ तो एक साय एक पैमाना हुआ करता था, पैमाना हुआ तो उस टाइम में एक एक साय खजूर या एक साय किशमिश या हाँ जी या एक साय जो शरीफ या आधा शाय ये
तो ये आधे में 2 किलो जितना बता रहे हैं 45 ग्राम। तो अगर खजूर कोई निकालना चाहे या किशमिश कोई निकालना चाहे या जो शरीफ कोई निकालना चाहे तो एक साग के हिसाब से, क्योंकि उसमें जो है फिर 4 किलो 90 ग्राम होगा। तो मतलब फितरा तो उसमें भी अदा है ना। हाँ, फितरा उसमें भी अदा है। ये तो मतलब ये समझ लीजिए कि गंदुम में 2 किलो कितना 45 ग्राम। 45 ग्राम जितना इसका कीमत है 80 रुपए 100 रुपए कितना है 80 रुपए है ये 80 रुपए। तो अगर कोई शख्स निकालना चाहे कि नहीं मैं इससे 2 गुना 4 गुना निकालूंगा तो निकाल सकता है। कोई बेहतर है, अफजल है, अपनी जान का सदका ही सदका ही है, सदका ही है, फितरा है, सदका ही फितरा है, इससे गरीबों का फायदा होगा। जैसे अब एक शाय अगर वो खजूर निकालना चाहे तो वो तो हजारों में जाएगा ना। हाँ हाँ, बहुत बहुत किशमिश में जाएगा तो हजारों में जाएगा अभी के वक्त। हाँ, कई हजारों में जाएगा। तो बहरहाल वो नियत कर ले, तो नियत के हवाले से जैसे मान लीजिए कि उसी एवज में 1000-2000 अपने निकाल करके अपना फितरा दे दे वो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अदा हो जाएगा। हाँ, फितरा, ये फितरे के हवाले से जैसे हर फर्द को, हर फर्द को छोटे से लेकर बड़े तक, मतलब इसमें ये नहीं है किसी अगर ईद की नमाज से पहले अगर बच्चा पैदा हो गया है तो उसका भी सदका फितरा है। मतलब जितने अफराद हैं घर में सारे, बूढ़े हो, बच्चे हो, बालिग हो, नाबालिग हो, सभी के ऊपर, सभी के ऊपर सदका फितर वाजिब है जी। सदका फितर देना, ये थोड़ा से अब चूंकि हमारा वक्त भी इख्तिताम पे है, ईद उल फितर के हवाले से कुछ बता दें हमें आप। ईद उल फितर, ईद उल फितर क्या है? ये अल्लाह तबारक व ताला ने जो रमजान उल मुबारक अता फरमाया है, तो रमजान के रोजे हमने रखे। अब रमजान का महीना जब हमसे गुजरा तो उसका शुक्र अदा करने के लिए कि हम उसका शुक्र अदा कर लें मजमूई तौर पे इकट्ठा होके कि अल्लाह ने हमको ये प्यारा महीना दिया, हमने इसमें उसकी इबादत किया और उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो 2 रकात 2 गाना हम पढ़ते हैं जो कि वाजिब है हमारे ऊपर पढ़ना। अब जब हम उसको पढ़ते हैं तो अल्लाह का बहुत बड़ा उस पर इनाम होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि जब बंदे मोमिन रमजान के रोजे रखकर इबादत करके जब ईद उल फितर की नमाज के लिए हमारी बारगाह में आता है, इबादत करता है, फिर जब हाथ उठाता है दुआ करता है, तो कोई भी ऐसी दुआ नहीं उसके हाथ नीचे करने से पहले उसको कबूल न कर लिया। अल्लाह तबारक व ताला उस दिन मजदूरी अता फरमाता है, क्योंकि अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, फरिश्तों देखो आज ये बंदा मजदूरी पूरा महीना किया है और करने के बाद ये आया है मेरी बारगाह में, अब बताओ फरिश्तों इन लोगों के साथ क्या सलूक होना चाहिए। तो फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौलाए करीम, जो बंदा अगर किसी की मजदूरी करता है तो उसकी मजदूरी पूरी होने के बाद उसको मजदूरी भी पूरी दिया जाए। तो ईद उल फितर में, जो ईद उल फितर के दिन आजकल देखा गया है नौजवान तबके में, देखा गया है हमारे मुआशरे में कि जैसे रमजान खत्म हुआ तो तमाम फजूल गोई में, फिल्मी ड्रामे में वो लोग लग जाते हैं, तो इस हवाले से उस दिन क्या अमल बेहतर रहेगा? उसको क्या कहा जाए जाहुल भाई जी? उसके ताल्लुक से जो है बहुत समझाया जाता है, बताया जाता है कि भाई आप लोग जो है अच्छे अमाल कीजिए, गलत अमाल छोड़ दीजिए, बुरे रास्तों को छोड़ दीजिए, मगर लोग कहाँ मानने वाले हैं, शैतान मुसल्लत हो जाता है। अभी तो शैतान थोड़ा बंधा हुआ है ना रमजान, हाँ, जैसे वो जो है रमजान ईद का चांद नजर आएगा शैतान खुल जाएगा। आप देखेंगे कि जो है फजर में तो होंगे लोग, पूरी मस्जिद भरी होगी खचाखच, हजारों के तादाद से लोग होंगे, मगर जोहर में मामला यही होगा कि वही सब 150-200 जो लोग पुराने आते थे वही। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो इस हवाले से हमारे मुआशरे में क्या पैगाम देना चाहेंगे कि जैसे रमजान मुबारक हमारे इख्तिताम पे है, अब 2 ही 4 दिन रह गए चंद लम्हात कहा जाए, तो ईद के दिन जो अब इस बचे हुए अय्याम में इबादत से लेकर के ईद उल फितर की नमाज के बाद उस रोज के अमल के बाद, इसके हवाले से हमारे मुआशरे में हमारे नाज़रीन को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, मैं पैगाम देना चाहूंगा जी ये आपके हवाले से, और जी नेपाल HD टेलीविजन के हवाले से जो हमारे नाज़रीन हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इस माह रमजानुल मुबारक को पाकर इसमें खूब इबादत किए हैं, अब ये इबादत की टकसाल आपकी बन चुकी है, आप कुरान भी तिलावत करते हैं, इबादत भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो ये आदत बन चुकी है, ये आदत आप अपनी न बिगाड़ें, बल्कि रमजान खत्म होने के बाद भी इसी तरह से आप पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें, अल्लाह की इबादत करते रहें, बंदगी करते रहें, क्योंकि ये नमाज
सिर्फ रमजान ही में फर्ज नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी के लिए फर्ज है, किसी हाल में नमाज माफ नहीं है। लिहाजा मैं अपने नाजरीन से गुजारिश करूंगा, नमाज पढ़ते रहें, अल्लाह की इबादत करते रहें, रसूल पाक से सच्ची मोहब्बत करते रहें, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहें, बुराइयों से बचते रहें, नेकियां करते रहें। अल्लाह ताला हम सबको नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रोजों को कबूल फरमाए। एक बात जरा से रह गई थी अभी ये फितरा के हवाले से, अभी जहन से निकल गया था, जैसे फितरा जो निकालते हैं अगर खुदा नखास्ता कोई भूल गया, मान लीजिए निकाल दिया उसने, ईद उल फितर की नमाज भी हो गई, तो अब बाद में भी तो अदा कर सकता है ना, वो कैसा तो नहीं है कि एकदम ईद की नमाज से पहले ही नहीं दिया तो फिर इस फितर अदा नहीं, नहीं, नहीं अदा कर सकता है, ईद के बाद भी अदा कर सकता है किसी वजह से, अगर अगर कोई ताखीर हुई जो नहीं निकाल सका है, नहीं दे सका है, तो ईद के बाद भी दे सकता है जी, अदा हो जाएगा। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे नाजरीन को ये पता चले, क्योंकि अमूमन ये कहा गया है कि ईद से नमाज से पहले, कभी कभार कुछ होता है मसरूफियत के हवाले से कहीं कुछ नहीं, जरूरी तो है कि ईद की नमाज से पहले अदा कर दे, अगर नहीं किसी वजह से अदा कर पाया तो ईद के बाद भी वो अदा कर सकता है। और ये सदका फितर और जकात ये सब गरीबों मिस्कीनों यतीमों का है, गरीबों यतीमों मिस्कीनों का हक है, उनको देना चाहिए, और उनको देने के बाद फिर ये जकात और फितरा इस्लामी मदारिस को भी देना जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि इस्लामी मदारिस भी इन्हीं सब वजूहात पे, इन्हीं सब जो है रकम पे चलते हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा कि जो अगर नहीं निकाल सके हैं पहले, तो बाद में भी निकाल के दे सकते हैं, वो अदा हो जाए। चलिए चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, आपने अपना मसरूफियत भरी जिंदगी के साथ साथ हमें भी दिन के काम के लिए हमारे स्टूडियो में आकर के हमारे नाजरीन को कुछ अहम बातें रमजान मुबारक के हवाले से बताया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दुआ फरमाइएगा मेरे लिए, अल्लाह ताला करम फरमाए आप पे सब पे जुमला मोमिनिन मोमिनात मुस्लिमिन मुस्लिमात अल्लाह, आमीन आमीन। दर्शकबिन तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन, अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कारी शरीफुल कादरी साहब, खतीब व इमाम जामा मस्जिद नेपालगंजका, हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गर्यौं। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौं, तबसम्म हेर्दै गर्नु होला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन कार्यक्रम पैगामे मुस्लिम, साताको शुक्रबार 4:30 देखि 5:30 सम्म र शनिबार पुनः प्रसारण 5:30 देखि 6 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा। म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक बिदा चाहन्छु, हस्त धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै।